उसी दौरान हम एक दूसरे को ताक झाक करते थे। इसने एक साल तक मेरे को घास नहीं दिया। मैंने बोला कि भाई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, नया दिन, नई शुरुआत। और गाइस, आज हम लेके आए हैं आप सभी की डिमांड पे, काफ़ी के कमेंट्स आए हुए हैं कि रीमा की जो कि मम्मी पापा की लव स्टोरी पे वीडियो बनाए। तो गाइस, आज मैंने उनको किसी न किसी तरीके मनवा लिया है कि ये पापा और आप मम्मी, आप ज़रूर वीडियोस में बताइए कि आपकी कैसे लव हुआ, कैसे मैरिज हुई। तो इसके बारे में मैं जाके अभी रीमा से कुछ पूछते हैं। तो हम भी जानने के लिए काफ़ी काफ़ी बेचैन हैं कि हमें थोड़ी बहुत तो पता है, लेकिन आज फाइनली बहुत ही बढ़िया से हमें भी पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो गाइस, जो कि मम्मी पापा की है, तो सभी को मम्मी को काफ़ी बहुत ही मुश्किल से कैमरा के सामने लाई हुई है। तो उसकी जैसे भी है, आपके लिए रिक्वेस्ट भी, हमने मम्मी पापा को, स्पेशली मम्मी को काफ़ी मुश्किल से मना के कैमरा के सामने आने वाली है। हर बच्चों की काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि अपने माँ, मम्मी पापा की, माँ बाप की लव स्टोरी जानने की। तो ना ज़्यादा बातें करते हुए सबसे पहले अभी मिलाते हैं आपको रीमा के पापा और मम्मी से। काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी खुश लग रहे हैं अपनी लव स्टोरी को बताने में, और उतनी ही खुशी मम्मी की भी लग रही है। और मम्मी, बट मैं एक चीज़ आपको फिर दोबारा बोल दूँ कि मम्मी थोड़ा शाय करते हैं इस चीज़ को लेके, तो आप थोड़ा सा इसमें समझ ही सकते होंगे कि अभी काफ़ी एज हो चुकी है, तो इस एज में थोड़ा सा शायनेस आ ही जाती है इंसान को कि जवानी का और बुढ़ापे के टाइम में। और मैं बताऊँगा, काफ़ी एज नहीं हुई है, थोड़ी बहुत ही है। तो गाइस, चलिए अभी हम मम्मी पापा से, जो कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी, उसके बारे में हम पूछते हैं कि आपकी कैसे लव स्टोरी शुरू हुई। नमस्ते व्यूअर्स, सबसे पहले आपको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। व्यूअर्स, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम दोनों की लव स्टोरी के बारे में कुछ बताएंगे आपको, तो हुआ ऐसा था कि 1983 में जब मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन करके आया, उस टाइम में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट सर्विस जो है नागालैंड में, तो नागालैंड में अपॉइंटमेंट होने के बाद वहाँ तो क्वार्टर नहीं था, तो मेरा मिसेस का फादर का क्वार्टर घर था, रेंट में लिए हुए थे, उसी में हमने एक रूम लिया हुआ था, दो रूम, एक किचन, एक टॉयलेट, एक सेफ था। तो उसके बाद मैंने उसी टाइम में इनको देखा, फिर एक साल तक ऐसे देखना आना जाना ऐसे होता था। इनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये इधर उधर नहीं घूमते थे, अपना कॉलेज में जाना आना ये था। उसी दौरान हम एक दूसरे को ताक झाक करते थे। इसने एक साल तक मेरे को घास नहीं दिया। मैंने बोला कि भाई जैसे भी हो, इनको छोड़ना नहीं है, लेना। फिर व्यूअर्स, ऐसा हुआ कि यहाँ नागालैंड स्टेट क्रिश्चियन स्टेट है, हमको क्रिसमस में एक महीने की छुट्टी मिलती थी, तो हमने कलकत्ता अपना घर में चला गया। फिर इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, फिर हमने अपना उधर जाके अपना पेरेंट्स से अप्रोच किया, वो लोग फर्स्ट स्टेज में मंजूर नहीं थे। फिर मैं वहाँ छुट्टी मनाना था, लेकिन नहीं सका, मैंने दोबारा वापस आया, क्योंकि इनके बिना रहना मुश्किल हो गया था मेरे को। फिर ये भी रह नहीं पा रही थी, जब तक मेरे को एक झलक नहीं देखता वो नहीं रह पाती थी। तो ऐसा गाइस, हम बड़ी तकलीफ़ में थे, आना जाना कलकत्ता में, वहाँ से रहने नहीं पाते थे, फिर वापस आना, फिर इनकी फादर से बहुत डर लगता था, फिर कहीं कुछ हो जाए तो फिर हम चले जाते थे, फिर नौकरी का सवाल था, आना पड़ता था, आते थे। ऐसा आना जाना करते करते फिर मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, फिर मैंने हिम्मत से जाके अप्रोच किया, तो बहुत कठिनाई का सामना करना। उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी मंजूर नहीं थे, लास्ट में हमने बहुत
मतलब तकलीफ से इनको मनाया, उसके बाद हमने एक साथ हो गए, मैरिज हुई हमारी, अपनी अपनी बिरादरी में जैसे होते हैं अपने से सब कुछ किया। फिर ये तो उस टाइम में तो ये तो अभी भी खूबसूरत है, उस टाइम में भी बहुत खूबसूरत थी। इनकी इनकी और हमारी जो पुरानी जो 1984 की जो तस्वीर है जब हम मैरिज किए थे आपको दिखा रहे हैं। ये मेरी मिसेस है, ये मैं हूँ और ये मेरी मिसेस है, शादी की पहले की तस्वीर है, ये रीमा की कार्बन कॉपी है, ये देखिए मेरी मिसेस। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे मम्मी, जो कि अपनी यंग एज में मम्मी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, रीमा से भी ज़्यादा सुंदर थे। मैं सच बोलूँ कोई भी देख के लट्टू हो जाता मम्मी के ऊपर, वही बात थी कि पापा भी लट्टू हो गए। और पापा से, पापा ने जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी कहते हैं ना प्यार हो तो प्यार में कठिनाई ना हो, तो वो प्यार ही किस चीज़ का ना, तो वैसा ही कुछ इनकी लव स्टोरी आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। और गाइस मैं एक चीज मम्मी को बोलना चाहता हूँ, मम्मी कुछ तो बोलो कुछ बोलो, हेलो बोल दो, कुछ बोल दो। ऐसी है वो बहुत शर्मीली, मैंने जो बताया था पहले तो मेरे को जेम्स बॉन्ड 007 बुलाती थी, अभी ये 7 चला गया, अभी मैं 0000 रह गया, अभी मैं जेम्स बॉन्ड से चरणदास बन गया। यही है हमारी लव स्टोरी की, कैसे एंडिंग होगी पता नहीं, लेकिन अभी मैं 000 पे हूँ। और व्यूअर्स आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो हमारी जो स्टोरी है और जो भी हो, आपको ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे और मेरा हक बनता है। ओके थैंक यू। अच्छा मैं एक चीज, जैसे पापा ने बोला 00 हो गए, सारे मैरिज के बाद सारे 0 ही हो जाते हैं, खासकर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कोई 7 बॉन्ड नहीं रहता, सारे मैरिज के बाद 00 हो जाते हैं। ऐसी तो, नहीं है लेकिन ऐसे मजाक से बोल रहा हूँ, अभी भी हम वही पहले जैसे हैं, पहले जैसे ही हमारी जो चलते हैं काफी अंडरस्टैंडिंग, काफी अंडरस्टैंडिंग। और पापा अपना नाम, अच्छा पापा अपना नाम तो मेरा नाम जेम्स बॉन्ड था, जेम्स बॉन्ड से 0 हो गया, अभी रॉय है, 007 हट गया, अभी 000 मिस्टर रॉय। हाँ यस, तो पापा का जो कि नाम है 000 रॉय, और आपको पूरा नाम जानना है पापा का तो पापा को जरूर कमेंट कीजिए, पापा कमेंट में शायद आपको किसी को आंसर दे दे। तो हाँ नाम क्या, तो गाइस होप है कि हमारी लव स्टोरी से ज़्यादा पापा की लव स्टोरी हमें इंटरेस्टिंग लगी है और आपको भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी के साथ गाइस आपको अच्छी लगी है तो करना है चैनल को सब्सक्राइब, और मम्मी क्या करना है, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर। तो गाइस आपको सभी ने, आपने ये लव स्टोरी की वीडियो जो देखी है तो गाइस सब्सक्राइब लाइक तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए, और मेरा आपसे वादा है व्यूअर्स, अभी नेक्स्ट हम तुरंत जाएंगे मेरी बेटी के घर में, मेरे दामाद के घर में, उस टाइम में भी एक और मज़ेदार एपिसोड आपको। तो बिल्कुल गाइस इस चीज़ का हमें भी इंतज़ार रहेगा कि मम्मी पापा जल्दी से प्रोग्राम बना के पठानकोट आएँ तो हमारे साथ इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाएं। तो फिलहाल अभी तक तो यही है, तो गाइस अभी इसके साथ मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय 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 बाय।